नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में है रेलवे भर्ती परीक्षा ग्रुप डी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यह श्रृंखला मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। यह श्रृंखला लगभग 1000 प्रश्नों तक चलेगी और उसका यह पार्ट पहला और वन है। ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं अगला नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था, यानी कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर है दोस्तों 1961। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। तो दोस्तों, इसका आंसर है भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका आंसर है दोस्तों विनोबा भावे। इसके बाद अगला प्रश्न, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है। दोस्तों, इसका आंसर है आप लियोनार्डो दा विची। इसके बाद अगला प्रश्न, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है। तो इसका आंसर है दोस्तों हरियाणा की। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो यह दोस्तों भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। तो इसका आंसर रहेगा 24। इसके बाद अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। इसके बाद अगला प्रश्न, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जाफर द्वितीय। इसके बाद अगला प्रश्न, तमाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। दोस्तों, विश्व का पहला देश कौन सा है। दोस्तों, वह देश है भूटान। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, गोदाम किसकी रचना है। दोस्तों, गोदाम है मुंशी प्रेमचंद की रचना। इसके बाद अगला प्रश्न, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है। दोस्तों, इस विषाणु का नाम है H1N1। इसके बाद अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। दोस्तों, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति। इसके बाद अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर दोस्तों 42वें संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी बोला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था। तो इसका आंसर है सविज्ञा आंदोलन। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है संसद सदस्य। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। दोस्तों, विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा लगभग 9438 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन दो देशों को जोड़ता है यह रेल मार्ग। इसका आंसर है सेंट और बेटर सर्वग। इसके बाद अगला प्रश्न, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है। दोस्तों, अमरकंटक नर्मदा और सोन नदी का उद्गम है स्थल है। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो सबसे ज्यादा जिप्सम का उत्पादन होता है राजस्थान में। इसके बाद अगला प्रश्न, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था। इसका आंसर दोस्तों सूरत में लगाया था, गुजरात में। इसके बाद अगला प्रश्न, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों, आईने अकबरी पुस्तक लिखी है अबुल
फजल ने। इसके बाद अगला प्रश्न, बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है, यानी कि किस खेल में प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों हॉकी खेल में। इसके बाद अगला प्रश्न, उड़ान परी किसे पुकारा जाता है। दोस्तों उड़न परी पुकारा जाता है पीटी उषा को। इसके बाद अगला प्रश्न, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है। दोस्तों झीलों की नगरी कहलाता है उदयपुर। इसके बाद अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की गई थी। दोस्तों आर्य समाज की स्थापना बंबई में की गई थी सन 1875 में। इसके बाद अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसके बाद अगला प्रश्न, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। दोस्तों विश्व शिक्षा दिवस है, विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को। इसके बाद अगला प्रश्न, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है टॉम्बे मुंबई में। इसके बाद अगला प्रश्न, सन 1928 में बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों 1928 में बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसी आंदोलन के बीच इनको सरदार की उपाधि भी मिली थी। इसके बाद अगला प्रश्न, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। इसके बाद अगला प्रश्न, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। दोस्तों मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी। दोस्तों आईपीएस थी भारत की पहली किरण बेदी। इसके बाद अगला प्रश्न, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों कथक है आधा ता है बीच में का आधो ता था और का है कथक। दोस्तों कथक राष्ट्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का, और इसके साथ ही एक और इसी के रायता कौन सा कथक कली। दोस्तों कथक कली है केरल से संबंधित और एक कथक है उत्तर प्रदेश से संबंधित। इसके बाद अगला प्रश्न, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी। दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टम। इसके बाद अगला प्रश्न, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। दोस्तों चाइना मैन होता है क्रिकेट में प्रयुक्त। इसके बाद अगला प्रश्न आएगा, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है। दोस्तों सबसे कठोरतम पदार्थ है हीरा। इसके बाद अगला प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों इसका आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल ने। इसके बाद अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई से। इसके बाद अगला प्रश्न, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है या किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों यह ऑस्कर है फिल्म से संबंधित। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स का पूर्व विस्तार रूप क्या है, यानी कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका दोस्तों अबकार्ड्स MNO डेफिशिएंसी सिंड्रोम्स। इसके बाद अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था। तो इसका आंसर है दोस्तों माइकल ओ डायर ने। इसके बाद अगला प्रश्न, पटना का प्राचीन नाम क्या है। दोस्तों पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। इसके बाद अगला प्रश्न, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था। दोस्तों दिल्ली में लाल किला बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। इसके बाद अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका आंसर है पटियाला में। अगला प्रश्न, आगा कप
किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आ का कप हॉकी खेल से संबंधित है। इसका अगला प्रश्न, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में?